निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे कल के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है, कहाँ पे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और ऑप्शन चेन डेटा में भी जानेंगे ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है और कल के एनालिसिस जो मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं निफ्टी के चार्ट में, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ट्रेंड लाइन को कितनी बढ़िया से रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, और आज कुछ भी नहीं था दोस्तों मार्केट में, मार्केट जो है पूरा दिन साइडवेज ही चली है। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर इस जोन में ओपन होके इसी जोन में रहती है तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो जाता या फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है इस जोन के अंदर। और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरी एनालिसिस थी उसी हिसाब से मार्केट चली है। इसी जोन में पूरा दिन मार्केट ने जो है टाइम डिके किया है, और जो है प्रीमियम पूरे ही गल गए होंगे जिसने भी होल्ड करके रखा होगा। तो ये एनालिसिस होती है दोस्तों। अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, डेली एनालिसिस वीडियो देख के आप एनालिसिस करना सीख सकते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन मैंने बताई थी, ट्रेंड लाइन को बिल्कुल बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी ने भी कुछ खास आज प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट दिया ही नहीं, इन द सेंस कि यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही चली है। अब कल क्या हो सकता है, कल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो अगला रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली 45,000 का लेवल निकल के आ रहा है। बिल्कुल जो है बैंक निफ्टी 45,000 का लेवल दिखा देगी, और अगर 45,000 ब्रेक हो जाता है गलती से तो यहाँ पे 45,482 का लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये गैप जो छोड़ा हुआ है वो गैप फिल हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन होती है, डाउन साइड आती है, तो सपोर्ट हमारे पास ये वाला लेवल है 44,421 का, ये हमारे लिए सपोर्ट के जैसे काम करेगा। 44,428 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो बैंक निफ्टी में हमें और 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाएगी कल के दिन। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी में अगला लेवल हमारे पास 19,717 का है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्टली 19,792 का बन रहा है। अगर 792 भी ब्रेक हो गया तो यहाँ पे निफ्टी में आप देख पा रहे हैं एक गैप निफ्टी ने भी छोड़ा हुआ है, वो गैप यहाँ पे फील हो सकता है और निफ्टी हमें अगला लेवल 19,883 का दिखा सकती है। नीचे की तरफ बात करें, पुट साइड अगर हमें एंट्री लेना है तो कब ले सकते हैं, समझ लीजिए ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओपन हुई और डाउन साइड आती है, हम वेट करेंगे, इतने छोटे पॉइंट के लिए हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये सपोर्ट ब्रेक होते ही निफ्टी में हम टारगेट बना सकते हैं 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट निफ्टी जो है हमें मूवमेंट दिखा सकती है अगर 19,600 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है प्राइस एक्शन के साथ। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल थे। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है कल के लिए। अगर ऑप्शन चेन डेटा देखे तो हमें मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। वैसे ऑप्शन चेन डेटा लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप समझ पाओगे कि लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 19,650 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, और डायरेक्टली ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 19,400 पे। इस तरफ देखें तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है दोस्तों, कॉल राइटर्स जो है बहुत ही भर भर के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर मार्केट गलती से ऊपर भी चली गई कल के दिन, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, लेकिन अगर ऊपर चली गई तो ये सारे के सारे जो है ट्रैप हो जाएंगे दोस्तों, और मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अगर मार्केट नीचे आती है, समझ लीजिए यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है देखिए 19,700 का, और दूसरा सपोर्ट 19,800 का है, तो मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें अच्छा खासा नीचे की तरफ भी 19,600 ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ हमें रैली देखने को मिलेगी, और अच्छा खासा हम नीचे की तरफ भी टारगेट बना सकते हैं। लेकिन अगर नीचे आती है तो ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, जो यहाँ पे बैठे हैं पुट राइटर वो ट्रैप हो जाएंगे, और नीचे की तरफ भी अच्छी रैली आ सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है दोस्तों, देखते हैं लाइव मार्केट में क्या ऑप्शन चेन डेटा कहता है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो चलिए, वैसे ऑप्शन चेन डेटा के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर, अगर डिटेल में सीखना चाहते हो ऑप्शन चेन डेटा को तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को, ये जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, इस वीडियो को 1 मंथ की स्ट्रैटेजी को, इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को 9 AM
50 एमए और एक इम्पॉर्टेंट 200 एमए की वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये सारी की सारी वीडियो अभी जाके देखिए, इन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में ये सारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यही था दोस्तों वीडियो में। वैसे कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन रहा है, आप देख पा रहे हो, और इन्वर्टेड हैमर अगर कंटिन्यू होगा कल के दिन तो ये लेवल बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। हमें वेट करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन रहा है। निफ्टी का चार्ट में भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निफ्टी में भी इन्वर्टेड हैमर पैटर्न अच्छे से यहाँ पर बन रहा है, आप देख पा रहे हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाता है, एक रिप्लेसमेंट होगा, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बस इसी मूवमेंट का वेट करना है हमें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेनी है। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एक भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।